हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर चैनल एनएस नॉलेज एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों, हम अपने आज की इस टैली के वीडियो में जानेंगे ग्रोसरी शॉप अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों, ग्रोसरी स्टोर शॉप, दोस्तों इसमें हमारे जो किराना की दुकान जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बनिए की दुकान भी दोस्तों हम इसे कहते हैं, इसमें दोस्तों हमारे जो डेली रूटीन के जो आइटम्स होते हैं वो सेल और परचेज होते हैं। तो किस तरीके से हम दोस्तों टैली में इनके स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, इनके कौन कौन से यूनिट्स हम दोस्तों बना सकते हैं, किस तरीके से हम परचेज और सेल की एंट्रीज को कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किराने की दुकान में होता क्या है, बहुत सारे रेट ऑफ टैक्स के आइटम्स होते हैं, 5% के, 12% के, 18% के, और कोई कोई आइटम जो कि जीरो रेट ऑफ टैक्स के भी होते हैं। तो किस तरीके से हम इनकी एंट्रीज करेंगे, अगर तो हम सेम ब्लॉक ऑफ जो हमारा जो टैक्स का रेट होता है, एग्जांपल 18%, दोस्तों अगर 18% का ही रेट ऑफ टैक्स है एक ही ब्लॉक का, तो हम उसकी एंट्री इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मल्टीपल रेट ऑफ टैक्स का हुआ, तो किस तरीके से हम ग्रोसरी शॉप की अकाउंटिंग में उसको टैली में कर सकते हैं, हम वो भी जानेंगे। दोस्तों, इसमें एक आता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ रेट टैक्स का मतलब कि रेट के साथ ही उसका टैक्स हमें जोड़कर मिलता है। तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे, अगर हमें उनकी बिल बनानी हुई, उनकी अकाउंटिंग करनी हुई, स्टॉक को मैनेज करना हुआ, तो हम किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में भी दोस्तों आज हम टैली में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको टैली के मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप पर मिलती रहे। दोस्तों, टैली के टैक्सेशन के वो सारे वीडियोस जो कि आपके डेली काम में आपके हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि जितनी दोस्तों नॉलेज आप तक बांट सकूं और इसके बाद उसको आप तक पहुंचा सकूं, कुछ सीख सकूं। दोस्तों, तो आप और औरों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों उन्हें भी इन वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि उनके काम में और भी आसानी हो सके। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट दोस्तों क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनी रीजन दोस्तों, तो उन तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो सीख सके और उनके काम में और भी आसानी हो सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, ग्रोसरी शॉप अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर कुछ कंपनीज के फीचर्स को इनेबल करना होगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम F11 की को प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग फीचर में दोस्तों, जैसा कि नॉर्मली हमें इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करना है और हमें ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल ए की हेल्प से भी हम डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आ जाता है वो है इन्वेंट्री फीचर्स का। तो दोस्तों, इन्वेंट्री फीचर्स को हमको यहाँ पर इसको यस करना है। मेंटेन, दोस्तों मेंटेन बैच वाइज के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग के बारे में, मैं अभी इसको नो कर देता हूं बिकॉज हमें यहां पर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है तो हम उसको यहां पर इनेबल कर सकते हैं, लेकिन हम दोस्तों उसके लिए एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आपको दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो आप प्लीज कमेंट में आप बता सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर आने वाले वीडियोस में हम वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नॉर्मली आपको डेबिट एंड क्रेडिट के ऑप्शंस को आपको यस कर लेना है और उसको भी फाइनली आपको यहां से एक्सेप्ट कर लेना है। ना दोस्तों, स्टेट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में एज जैसे कि दोस्तों हमने अपने लास्ट वाली वीडियोस में बनाया था, दोस्तों हम यहां पर सेम लेते हुए इसको चलेंगे। दोस्तों, यहां पर हमने लिया था रेगुलर, जो भी दोस्तों आपके शॉप का जो भी नंबर होगा दोस्तों, स्टोर का, किराने की दुकान का, ग्रोसरी शॉप का, तो उसका जो GSTN नंबर होगा दोस्तों आपका, वो आप यहां पर ले लेंगे। फाइनली दोस्तों हम इसको यहां से स्किप करते हैं। बेसिक लेजर्स जो दोस्तों हमको यहाँ पर बनाने हैं, हम अकाउंटिंग इन्वो में चलते हैं। लेजर्स में दोस्तों मैं चलता हूँ अल्टर ऑप्शन में, आप चलेंगे क्रिएट में। दोस्तों, अगर मैं इसको अब भी अगर क्रिएट करूँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी और फिर कॉन्सेप्ट को समझाने में और भी डिफिकल्टीज क्रिएट होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं अल्टर ऑप्शन में चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ लेजर्स को क्रिएट करना होगा। नॉर्मल है दोस्तों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आपको नॉर्मली आपके सन्ड्री और सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स के नॉर्मल से लेजर्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं। A1 ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जांपल के लिए दोस्तों हम इनसे परचेस कर रहे हैं, हम इसको अंडर में रखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, दोस्तों इस ऑप्शन को हम यहाँ से यस करेंगे। यहां से दोस्तों आप इनकी सारी डिटेल को फिल कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां से फिर मुंबई महाराष्ट्र ले ले रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप अपने पार्टी का कंप्लीट डिटेल मैनेज कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आपको इससे हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, हम इसको भी यहाँ से कम्प्लीटली इसको कंट्रोल ए की हेल्प से भी यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप एंटर एंटर करके भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से दोस्तों इसको स्किप करता हूँ।
ना दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंज्यूमर को बनाया है जो कि है हमारा डेटर यानी कि हमारा करंट एसेट है दोस्तों। मैंने इसको लिया है कंज्यूमर में, इसकी भी आप यहाँ पर से सारी डिटेल को फिल कर लेंगे। पिन कोड दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर एक पिन कोड ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए दोस्तों। कंज्यूमर में जैसे दोस्तों इसको लेंगे, आपसे कुछ जीएसटी नंबर वगैरह नहीं मांगेगा बिकॉज कस्टमर हर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता। चलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं ना दोस्तों। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ बेसिक से लेजर्स है जो कि आपके नॉर्मली परचेज अकाउंट के बनते हैं, और उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के नॉर्मल से लेजर्स है, राउंड ऑफ के लेजर्स है ना दोस्तों। हम यहाँ पर परचेज अकाउंट देखते हैं। अब हमने ये अलग अलग क्यों बनाया है, बिकॉज ऑफ दोस्तों किराने की जो दुकान होती है उसमें बहुत सारे रेट ऑफ टैक्स के आइटम्स होते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट अंडर 12% बनाया है, 18% बनाया है, 5% बनाया है दोस्तों। अंडर में रखेंगे परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस अफेक्टेड करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है इनवॉइस राउंडिंग का, इसको आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इस जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कीजिए दोस्तों। ना दोस्तों जो भी हमको यहाँ पर ले लेना है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम लेंगे दोस्तों परचेज टैक्सेबल, बिकॉज ये टैक्सेबल है। रेट डाल देंगे दोस्तों 12% और हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली आपको सारे लेजर सेम से बनाने हैं दोस्तों। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं दोस्तों। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यहां से इनेबल करते हैं, परचेज टैक्सेबल मिलेंगे दोस्तों। इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, ये ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लेता है 99% को। हम इसको भी यहां से दोस्तों गुड्स में रखते हुए इसको भी हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका परचेज अकाउंट 5% में, सेम दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम दोस्तों यहाँ से यस करेंगे, परचेज टैक्सेबल लेंगे दोस्तों। इंटीग्रेटेड टैक्स 5% डिवाइडेड बाय 2.5 एंड 2.5, चलिए हम इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों सेम परचेज अकाउंट ले लेंगे नील रेटेड। अगर दोस्तों आपका कोई ऐसा आइटम है जो कि नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, तो आप उसको यहाँ पर बायफैकेट करने के लिए आगे लिख सकते हैं नील रेटेड। चलिए एग्जांपल के लिए मैंने बनाया है, ये भी हमारा परचेज अकाउंट के अंडर में ही रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यहाँ से दोस्तों यस कर देंगे। परचेज नील रेटेड आइटम है तो हम यहाँ पे परचेज नील रेटेड ले लेंगे, तो ये कुछ भी इसके आगे आपको शो नहीं होगा। फाइनली दोस्तों आपको इसको सप्लाई टाइप में, हम यहाँ पर गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए हम यहाँ से गुड्स ले लेंगे और हम इसको यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लेंगे ना दोस्तों। सेम इसके सामने यानी वाइस इनवर्सा, यहाँ पर आपने बनाया था परचेज अकाउंट, आपको बना लेना है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट एट द रेट 12%, अंडर में रखेंगे दोस्तों सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, सेम दोस्तों कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। सेल्स टैक्सेबल है दोस्तों, 12% में रखते हुए हम उनको यहाँ से सेम एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। सेम आपको सेल्स अकाउंट एट द रेट 18% बनाना है, सेल्स अकाउंट एट द रेट 5% बनाना है। सेल्स नील रेटेड दोस्तों कैसे बनेगा, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करते हुए दोस्तों यहाँ से हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। सेल्स नील रेटेड यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉर्मली अगर नील रेटेड है तो हम यहाँ से नील रेटेड ही ले लेंगे और हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जो बेसिक ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर बनाने हैं, सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी ले लेंगे दोस्तों। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना दी है दोस्तों, आप प्लीज उन वीडियोज को वॉच कीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ सके। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है, राउंडिंग मेथड के ऊपर, अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के जो अकाउंटिंग एंट्रीज होते हैं दोस्तों, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, मेडिकल की, मैन्युफैक्चरिंग की, बहुत सारी वीडियोज दोस्तों अवेलेबल है, आप देखिए और उससे नॉलेज को हासिल कीजिए ना दोस्तों। टैक्स टाइप में दोस्तों हम सेंट्रल टैक्स ले लेते हैं बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों ये टैक्स होगा, सेंट्रल टैक्स। चलिए इसको भी हम 0% में रखते हुए, राउंडिंग मेथड को नो रखते हुए दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आता है दोस्तों एसजीएसटी, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ले लेंगे। टैक्स टाइप ड्यूटी यानी कि लिस्ट ऑफ ड्यूटीज जीएसटी लेते हुए, ये किसका टैक्स है, स्टेट का टैक्स है दोस्तों, तो इसको ले लेंगे एसजीएसटी में स्टेट टैक्स, 0% में रखते हुए हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों ये तो हुए बेसिक से लेजर्स, अब हम देखते हैं इन्वेंट्री इन्फो में हम किस तरीके से इनके लेजर्स को क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में दोस्तों हम चलते हैं अल्टर ऑप्शन में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको यूनिट्स बता दूं, उससे पहले मैं उसके बाद मैं आपको स्टॉक आइटम्स के बारे में बता सकता हूं। यूनिट ऑफ मेजर में दोस्तों मैं चल रहा हूं अल्टर में, आप चलेंगे ग्रिड ऑप्शन में। यहां पर दोस्तों मैंने कुछ यूनिट्स बनाया है, एग्जांपल बॉक्स, कार्टून, केजी, मिलीमीटर और यहाँ पर पेसेस। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स, सिम्बॉल में दोस्तों बॉक्स हो गया, फॉर्मल नेम यानी कि इसका पूरा नाम। यूक्यूसी कोड दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप यहाँ से एंटर करेंगे BOX, मैंने ऐसे टाइप किया, देखिए लिस्ट ऑफ यूक्यूसी कोड में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है बॉक्सेस का, एंटर कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लेंगे।
कार्टून शॉर्ट फॉर्म CTN, कार्टून का फुल फॉर्म कार्टून ना दोस्तों, हम ऐसे एंटर करेंगे, मैं ऐसे टाइप करूंगा CTN कार्टून। चलिए इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। कीजिए किलोग्राम्स, यूक्यूसी कोड के लिए आपको यहाँ पर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ से टाइप कीजिए, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे दोस्तों, इसको एक्सेप्ट करेंगे। सेम दोस्तों यहाँ पर हम मिलीलीटर ले लेंगे, जिसका आपको अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं मिलता हो तो दोस्तों आप यहीं से ले सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक भी किया है, MLT हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पर UQC कोड में आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है MLT, तो आप यहाँ से शॉर्ट फॉर्म को भी करेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पीसेस का दोस्तों फॉर्मल नेम पीसेस ले लेंगे, एंटर करेंगे दोस्तों, पीसेस का यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ UQC कोड में बता देगा पीसेस, हम यहाँ से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ दोस्तों हमने यहाँ पर बना लिया है सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट लेजर्स थे अकाउंटिंग इन्फो में और इन्वेंट्री इन्फो में। नाउ दोस्तों हमने यहाँ पर जो एक्सेल में बनाया है एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पर कुछ आइटम्स है दोस्तों जो कि हम परचेस करेंगे। चलिए उन आइटम्स को मैं आपको पहले बता दूं, इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं, स्टॉक आइटम्स में मैं जा रहा हूं, अल्टर ऑप्शन में आप चाहेंगे क्रिएट ऑप्शंस में। मैंने तो यहाँ पर दोस्तों 3-4 ही बनाए हैं एग्जांपल के पर्पस के लिए, लेकिन आपके बहुत सारे आइटम्स होंगे दोस्तों, तो उनको भी आप ऐसे ही क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर एक मैंने लिया है चटनी पाउडर, ना दोस्तों अंडर में मैंने इसको रखा है प्राइमरी यूनिट, यानी कि हम इनको कैसे परचेस करेंगे, हम इसको कार्टून में परचेस करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल को दोस्तों आपको यहाँ से येस कर लेना है, जो भी दोस्तों इसका HSN कोड होगा उसको हम यहाँ से ले लेंगे, जो भी प्रोडक्ट का रेट ऑफ टैक्स होगा यहाँ से हम फिल कर लेंगे और हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे गुड्स में रखते हुए। चलिए हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर दोस्तों इसी तरीके से सेम अंडर में मैंने रखा प्राइमरी, ये भी कार्टून में परचेज होगा। नाउ सेट अल्टर GST डिटेल को येस करेंगे दोस्तों, HSN कोड फिल करने के बाद जो भी रेट ऑफ टैक्स का ये आइटम होगा आप यहाँ से फिल कर लेंगे। मैंने एग्जाम्पल पर्पज के लिए दोस्तों यहाँ पर इसको लिया है। चलिए गुड्स में रखते हुए हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जागरी दोस्तों हम इसको भी रखेंगे प्राइमरी में और यूनिट रखेंगे इसका KG, एग्जांपल मैं इसको KG में परचेस करने वाला हूँ। अल्टर GST डिटेल को दोस्तों ऐसे यस कर लेंगे, इसका HSN कोड को हम ऐसे फिल करेंगे। दोस्तों ये आइटम है नील रेटेड, तो हम इसको ऐसे नील रेटेड लेते हुए हम इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ दोस्तों ऑयल हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिया है, अब आपको बहुत सारे टाइप्स के ऑयल्स हो सकते हैं दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिलीलीटर में। दोस्तों सेट अल्टर GST डिटेल को यस करेंगे, HSN कोड को यस करेंगे दोस्तों, ऐसे जो भी HSN कोड होगा आपको ऐसे फिल कर लेना है। टैक्सेबल रखते हुए जो भी ऑयल का जो भी रेट ऑफ टैक्सेस को यहाँ से फिल करके हम इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ना दोस्तों अब हमने बना लिया आइटम्स, चलिए हम एक परचेज की एंट्री करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। देखिए दोस्तों अभी तक यहाँ पर कोई एंट्रीज नहीं है, चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। वी प्रेस करते हैं शॉर्टकट की दोस्तों, हम यहाँ से F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पर दिया है सप्लायर इनवॉइस नंबर, एग्जाम्पल हम यहाँ पर 1 ही ले लेते हैं, 1 अप्रैल ले लेते हैं दोस्तों। पार्टी का नाम A1 ग्रोसरी दोस्तों, हम यहाँ से एग्जाम्पल के लिए इनसे हम यहाँ से परचेस करेंगे। ना दोस्तों यहाँ से F12 की यस करता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन को यस कर देता हूँ, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको यस करते हैं। जब आप एंट्री करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का विंडो आएगा। ना दोस्तों हम इसको यस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अभी हम 18% का गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल ले लेंगे 18%। 18% में दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कौन सा गुड्स अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है 18% में दोस्तों कस्टर्ड पाउडर, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कस्टर्ड पाउडर। ना दोस्तों क्वांटिटी कितनी है इसकी, 60 क्वांटिटी है दोस्तों। रेट कितना है परचेज का, 30 रुपीज। ये तो दोस्तों आपकी सिंपल सी एंट्री हो गई, हम इसके ऊपर CGST एंड HGST चार्ज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर कि अगर मल्टीपल रेट ऑफ टैक्स से अगर हमें परचेज करना हो तब हम क्या करेंगे, तो आपको F12 की को प्रेस करना है और यहाँ से यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को नो करते हुए अब हम इसकी एंट्री को लेंगे। नाउ सप्लायर इनवॉइस नंबर 2 ले लेते हैं सेम डेट पे दोस्तों, सेम पार्टी से हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं। देखिए अब वो आपके सामने ऑप्शन चले गया परचेज अकाउंट का, अब देखिए कि आप किस तरीके से मल्टीपल रेट ऑफ टैक्स के यहाँ पर आइटम को ले सकते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से चटनी पाउडर को परचेज करेंगे। नाउ दोस्तों क्वांटिटी कितनी है इसकी, 120 बेसेस। रेट कितना है दोस्तों इसका यहाँ पर, 50 रुपीज, तो हम ऐसे 50 रुपीज ले लेंगे।
देखिए आपके सामने एक अकाउंटिंग डिटेल का एलोकेशन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इससे आप देख सकते हो कि ये कौन से अंडर का कौन से रेट ऑफ टैक्स का परचेज अकाउंट है। तो दोस्तों हमने ये जो हमारा आइटम है यूनिट का वो है रेट ऑफ टैक्स के ऊपर 5% चार्ज है, तो हम इसको अंडर में ले लेंगे परचेज अकाउंट एट द रेट 5%। सेकेंड आइटम दोस्तों हम यहाँ से जो परचेज कर रहे हैं वो है कस्टर्ड पाउडर, तो नाउ दोस्तों हम यहाँ से ले लेंगे कस्टर्ड पाउडर। कितना दोस्तों यहाँ से हम लेंगे 60 पीसेस। रेट कितना है दोस्तों यहाँ से 30 रुपीज यहाँ से आ चुका है। इसका मतलब ये रेट ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक एंट्री ऑलरेडी डन होगी, तो चलिए वो भी हम देख लेंगे। ये दोस्तों जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 18%, यानी कि अगर आपने एक भी एंट्री पहले की करी है तो आपको यहाँ पर शो कर देता है कि कौन से रेट ऑफ टैक्स का आइटम है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है ऑयल दोस्तों। दोस्तों हम ऑयल यहाँ पर परचेज कर रहे हैं 50 मिलीमीटर, रेट है दोस्तों 100 रुपीज। रेट ऑफ टैक्स दोस्तों इसका कौन सा है, एट द रेट 12% में दोस्तों हम इसको यहाँ से परचेज कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों आप जागरी ले लेंगे, कितना दोस्तों 50 kg, एट द रेट ऑफ ₹75। नील रेटेड है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर CGST NHGST चार्ज करेंगे और हम इसको यहाँ से ऑल्ट ए की हेल्प से ऑल्ट एफ वन करेंगे, तो देखिए दोस्तों आपके सामने जो जागरी का यानी कि नील रेटेड यहाँ पर आइटम था उसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। बाकी जो भी चटनी पाउडर था इसके ऊपर 5% का रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल था, तो यहाँ पर 2.5% और 2.5% डिवाइड हो चुका है। कस्टर्ड पाउडर दोस्तों यहाँ पर था 18% में डिवाइड हो चुका है दोस्तों। इसी तरीके से 12% का भी रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। स्किप करते हैं दोस्तों और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। ना दोस्तों इसको तो आपने अभी परचेस कर लिया है, सबसे पहले हम उन एंट्रीज को देख लेते हैं जो हमने इससे पहले करी थी। यहाँ पर परचेस रजिस्टर में देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक ऑलरेडी एक एंट्री पास करी हुई है और ये एंट्री दोस्तों वही थी जो हमने यहाँ पर सिंगली यहाँ पर एंटर करी थी, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। ये दो आपने यहाँ पर अभी एंट्रीज परचेज की पास कर ली। अब अगर हमें यहाँ पर सेल की एंट्री पास करनी है तो किस तरीके से हम सेल करेंगे, तो चलिए दोस्तों अकाउंटिंग वॉचर से वी प्रेस करते हैं, F8 की दोस्तों प्रेस करते हैं। एग्जाम्पल इनवॉइस नंबर दोस्तों हम 1 ले लेते हैं। पार्टी दोस्तों हम कंज्यूमर को सेल कर लेते हैं मिस्टर जॉन सर को, कंट्रोल A की हेल्प से यस कर लेंगे। ना दोस्तों जैसे कि आप हमने परचेज किया था सिंगल में, अगर तो दोस्तों आपका सेम रेट ऑफ टैक्स है 18% का, एक ही आइटम अगर आप उनको सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से दोस्तों F12 की को यस करके इस आइटम को आप यस कर लीजिए इस ऑप्शन को और यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए कंट्रोल ए की हेल्प से। लेकिन अगर आप ब्लॉक ऑफ एसेट को अगर ब्लॉक ऑफ आइटम्स को अगर आप सेल करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स अलग अलग लेने हैं, तो इसके लिए आप इस F12 करके यहाँ पर यूज कॉमन लेजर को नो कर दीजिए। तो हम यहाँ पर मल्टीपल रेट के जो टैक्स है वो आइटम को सेल करेंगे मिस्टर जॉन सर को, चलिए एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। नेम ऑफ आइटम दोस्तों यहाँ पर चटनी पाउडर सेम हम आइटम्स को लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वांटिटी दिया हुआ होगा। अब होता क्या है दोस्तों, नॉर्मली हमें जो रेट मिलता है दोस्तों वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट मिलता है। एग्जांपल के लिए दोस्तों या तो हमें रेट दे दिया जाता है डायरेक्ट रेट प्लस GST, वो कैसे दोस्तों 10 क्वांटिटी है दोस्तों यहाँ पर जिसका रेट था ₹60, तो मैं दोस्तों नॉर्मली मैं यहाँ पर अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए आपके पास जो क्वांटिटी मिलती है वो है 10 पीसेस, 10 क्वांटिटी में जिसका रेट है दोस्तों 60, तो दोस्तों आपका वैल्यू कितना आ जाता है दोस्तों यहाँ पर 600। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा नहीं दिया गया, आपको डायरेक्टली बता दिया गया कि 10 क्वांटिटी है और उसके ऊपर 63 की रेट से आपको बिल बनानी है और इसको एंटर कर देंगे तो आगे आपके पास 630, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि ये कितना रेट का है, इसमें कितना रेट का आइटम है और इसमें कितना GST रेट इंक्लूड है, तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन को अगर आपको बार बार इसको कैलकुलेट करना पड़ा तो आपको टैली एक बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन दे देता है कि आप जैसे ही इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का यानी कि 60 का रेट था उसमें से उसने आपको डायरेक्टली उस रेट के ऊपर GST कैलकुलेट करके दे दिया था। एग्जाम्पल दोस्तों 60 का रेट है, इसके ऊपर अगर मैं 5% चार्ज करता हूँ तो मुझे मिलता है 3 रुपीज, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इतना हो गया दोस्तों आपका यहाँ पर 3 रुपीज, तो 60 + 3 तो आपका रेट ऑफ टैक्स इतना आ गया 63 आ गया दोस्तों, तो आपको डायरेक्टली ये रेट मिल जाता है। तो ऐसे केस में आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हो, या तो दोस्तों आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए 63 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय 105 करेंगे तो आपको इतना ये रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप हर आइटम के लिए अगर ऐसे करेंगे तो दोस्तों आपको टैली में काम करने में बहुत ही डिफिकल्टीज आएंगी। तो इसके लिए दोस्तों इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट का यहाँ पर ऑप्शन है, ताकि अगर आपके रेट में जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड है तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड करके ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए F12 की यहाँ से दोस्तों हम प्रेस करेंगे। यहाँ से दोस्तों हम इनेबल करेंगे अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको हम यहाँ से दोस्तों एंटर करेंगे, सारी डिटेल फिल कर लेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर एग्जांपल दोस्तों चटनी पाउडर हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है दोस्तों यहाँ पर 10 क्वांटिटी है। देखिए दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ चुका है रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी कि रेट का इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 10 क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई करें हमको जो रेट मिला दोस्तों वो क्या रेट मिला 63, यानी कि रेट पर ऑलरेडी जीएसटी चार्ज करके मिला तो हमारे को यहाँ पर मिला 63। देखिए दोस्तों इसका रेट इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, आपको बार बार मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105 या 1018 से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा ना दोस्तों। सेम अभी हम सेकेंड आइटम का देखते हैं, कस्टर्ड पाउडर। ना दोस्तों कस्टर्ड पाउडर के लिए यहाँ पर कितना क्वांटिटी दिया हुआ है 5 क्वांटिटी है दोस्तों। रेट कितना है दोस्तों इसका, आपको जो रेट मिला रेट प्लस जीएसटी, यानी कि 40 रुपए के ऊपर 18% चार्ज करके मिला, तो आपको अभी यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है रेट की 47.20, तो आप यहाँ पर ले लेंगे 47.20। देखिए दोस्तों जो रेट था वो ऑटोमेटिकली इससे माइनस होके यहाँ पर आ चुका है। रेट कितना है दोस्तों इसका, यहाँ पर बताया हुआ था 40, अभी आपको किसी ने बताया नहीं बल्कि टैली ने ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लिया और इसको आपको अलग से कैलसी में कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। चलिए इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आता है जगरी, यानी कि ये नील रेटेड है दोस्तों। कितनी क्वांटिटी है 20 पीसेस, रेट कितना है दोस्तों इसका 80। अब इसके ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं है तो इसके लिए दोनों का सेम ही हो जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ रेट टैक्स और रेट टैक्स 80 आ गया दोस्तों ऑटोमेटिकली सेल्स नील रेटेड सप्लाई। ना दोस्तों ऑयल, ऑयल दोस्तों यहाँ से हम सेल करेंगे, कितना है दोस्तों 30 मिलीलीटर, रेट कितना है देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर रेट दिया हुआ है 117.60, ऑटोमेटिकली रेट आ गया दोस्तों 105। अगर आप 105 पे दोस्तों यहाँ पर चार्ज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइडेड बाय 100, देखिए दोस्तों इस यहाँ पर आपका आ जाएगा ये जो आपका रेट ऑफ टैक्स है इसका 12% इसके ऊपर टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इतना आ रहा है 12.60। कैलसी में भी अगर दोस्तों आप इसको देखते हैं तो आपके पास आता है 12.60, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चलिए इसको क्लोज करते हैं। ना दोस्तों हम यहाँ से अभी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे CGST एंड SGST। ऑल्ट ए को प्रेस करेंगे, ऑल्ट F1 को दोस्तों यहाँ से प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जगरी था, यानी कि जिसको हम गुड भी दोस्तों कहते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुआ। बाकी चटनी पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, ऑयल के ऊपर इसने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। इसको हम दोस्तों एक्सेप्ट करते हैं, एस्केप करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें और भी एंट्रीज हो सकती है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेम दोस्तों प्रोसीजर है। अगर दोस्तों आपको उसमें कुछ नहीं समझ आया तो आप जरूर बताइए, डेबिट और क्रेडिट नोट की भी दोस्तों हम ऐसे एंट्री पास कर लेंगे। डिस्प्ले में चलते हैं दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इन्वेंट्री को मैनेज किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉक समरी में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने 110 कार्टून परचेज किया है 50 के रेट से। उसके बाद दोस्तों कस्टर्ड पाउडर को यहाँ पर हमने 25 किया 115 कार्टून, कैसे दोस्तों 60 कार्टून हमने यहाँ से पहले परचेज किया था, फिर 60 कार्टून हमने यहाँ से जो मल्टीपल रेट ऑफ टैक्स के साथ में परचेज किया था उसके साथ में। क्लोजिंग कितना आ गया दोस्तों 5 कार्टून सेल हो चुके हैं, क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने आ चुका है 115, यानी कि 115 कार्टून। वैल्यू कितनी है दोस्तों 3450। स्किप करते हैं दोस्तों, सेम आपको यहाँ पर सारी आइटम का मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपने 50 मिलीलीटर परचेज किया था जिसमें से 30 मिलीलीटर दोस्तों सेल हो चुका है। इसमें ही दोस्तों आप रीऑर्डर लेवल को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम रीऑर्डर लेवल को समझेंगे किस तरीके से हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। यानी रीऑर्डर लेवल मतलब दोस्तों क्या, यानी कि अगर आपका कोई ऑर्डर कोई प्रोडक्ट है और आपको ऐसा नहीं चाहिए कि वो प्रोडक्ट खत्म हो जाए और हमें पता ही ना चले, फिर उसके बाद हमें स्टॉक सेल करने में प्रॉब्लम क्रिएट है, जब स्टॉक होगा नहीं तो हम सेल कैसे करेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम रीऑर्डर लेवल को भी सेट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम वो भी समझेंगे दोस्तों। उसके बाद हम डिस्प्ले में चलते हैं, इन्वेंट्री में दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं इन्वेंट्री बुक। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मूवमेंट एनालिसिस, यहाँ पर हम चलेंगे दोस्तों स्टॉक आइटम एनालिसिस में।
जो भी दोस्तों हमें प्रोडक्ट का एनालिसिस देखना है, मूवमेंट एनालिसिस का मतलब क्या, कहां से ये आइटम परचेज किया और किसको सेल किया। एग्जांपल दोस्तों चट्टी बॉर्डर, इसको हमने यहाँ पर सप्लायर का नाम है A1 ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड, इसने हमें यहाँ पर बेचा है और हमने दोस्तों किसको सेल किया है, मिस्टर जॉन को। तो उसके सारे हमने तो यहाँ पर एक ही एंट्री पास करी, इसके लिए एक ही शो हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज को पास करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। नाउ दोस्तों यहाँ पर हम F4 की को प्रेस करेंगे, इसके बाद हम सारे आइटम्स को वन बाय वन चेक कर सकते हैं दोस्तों शॉर्टकट की F4 को प्रेस करके। इसी तरीके से दोस्तों सारे मूवमेंट एनालिसिस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। चलिए स्किप करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपको समझाने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है स्टेचुटरी ऑफ, यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है चटनी पाउडर। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक क्वेरी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको आपने लास्ट टाइम कब परचेज किया था, आपने सोल्ड कब किया है, एवरेज रेट ऑफ कॉस्ट दोस्तों इसका क्या आ रहा है अभी वो आप देख सकते हो, कॉस्ट प्राइस कितनी है 50, एवरेज जो आप सेल कर सकते हो वो रेट आपको यहाँ पर बता रहा है दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो सकता है, कॉस्टिंग मेथड आपको यहाँ पर शो हो रहा है, सारी डिटेल दोस्तों आपने लास्ट टाइम जो सेल करी होगी वो भी आपको यहाँ पर बता देगा, क्लोजिंग वैल्यू आपको यहाँ पर बता रहा है इसकी, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी कि कितने तक दोस्तों ये सेल हो सकती है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी कि आपने इसको 60 में सेल किया है यानी कि आपका 60 का एक रेट फिक्स हो जाता है कि यहाँ तक आप इसको सेल कर सकते हो। ना दोस्तों इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री हमने देख लिया, इसके बाद आपको चलना है स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक्सेप्शन का एक रिपोर्ट होता है नेगेटिव स्टॉक, अगर आपका कुछ भी नेगेटिव में जाएगा तो आप यहाँ पर स्टॉक में देख सकते हो, अभी हमारा कोई नेगेटिव नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। लेजर का भी सेम है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, आप वो वीडियो को देख के जान सकते हैं इसके बारे में। स्केप करते हैं स्टेचुटरी रिपोर्ट में दोस्तों, हमें चलते हैं GSTR 1 में। देखिए जो हमने यहाँ पर एंट्री को पास करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, महाराष्ट्र में ही हमने यहाँ पर सेम इंट्रा स्टेट सेल किया था। अगर आप इंटर स्टेट करेंगे तो आपको IGST में दोस्तों शो हो जाएगा। नाउ 0% जो हमने यहाँ पर 1600 जिसकी वैल्यू थी आप देख सकते हो दोस्तों 1600 जागरी, यानी कि इसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ टैक्स नहीं था, ये नील रेटेड था तो इसके ऊपर 0% टैक्स है, बाकी के ऊपर 5%, 12% और 18%। GSTR 2 में दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो कि हमने यहाँ पर परचेज किया था, सेम पार्टी से हमने यहाँ पर परचेज किया था जिनकी वैल्यू आपको यहाँ पर शो हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू शो हो रहा है दोस्तों। इसके बाद आप GSTR 3B में जाएंगे तो आपको अगर इसको कंप्लीट देखना होगा दोस्तों Alt F1 को प्रेस कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यहाँ से भी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, अगर आपको देखना है कि कौन से नील रेटेड ऑप्शन में आपने यहाँ पर सेल कर लिया है दोस्तों तो वो भी आपको यहाँ पर सारी डिटेल शो हो जाती है। स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों ये आपको ITC शो कर रहा है कि कितना आपका ITC यहाँ पर अवेलेबल है, कितना आप ऐसे ITC को ले सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करता होगा टेबल नंबर 5 में, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई, इसको भी यस करेंगे दोस्तों। देखिए लोग एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर आप सेल करेंगे तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, नील रेटेड दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर रहा है 3750 जो हमने यहाँ पर सेल किया था, 3750 इसका जागरी का जिसके ऊपर नील रेटेड ये आइटम था। तो इस तरीके से दोस्तों आप GST रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं, आप सारी इन्वेंट्री को इस तरीके से दोस्तों मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेरी हुई तो दोस्तों आप जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। खुश रहिए दोस्तों और नॉलेज को शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।